अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एस एन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने अपनी न्यूज़पेपर ऐप में सारी ऑलमोस्ट होल ऐप में टेस्टिंग फैक्टर्स ऐड कर दिए थे, और उस वीडियो का एक पार्ट ये भी था कि हमने रजिस्टर पेज में टेस्ट क्रिएट करना था जिसमें एग्जिस्टिंग यूज़र की डिटेल्स को यूज़ करते हुए हमने टेस्ट को रन करना था और मेक श्योर करना था कि वो टेस्ट फेल होना, बेसिकली उसका जो रिजल्ट है रजिस्टर पेज पे वो फेलियर का आना चाहिए कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट और फिर वो टेस्ट पास होगा। अगर वो रिजल्ट नहीं आता और यूज़र किसी तरह सेम एग्जिस्टिंग यूज़र के साथ साइन अप के पेज से पास कर सकता है तो वो फेल केस है। इस चीज़ पे हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम ब्राउज़र में आ जाएंगे। ये हमारी ऐप की करंट स्टेट है और साथ ही हम यहाँ पे कोड को भी ओपन कर लेंगे। ये हमारी कोड की स्टेट है और लास्ट टाइम हम रजिस्टर के पेज पे काम कर रहे थे जिसमें कि हमने ये टेस्ट अभी तक साइन अप सक्सेस डिटेल का बना लिया था, जिसमें कि हम ये एक रैंडम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पर बेसिकली बस एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको चेक कर लूँ ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, यहीं पे यूज़ हो रहा है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने अपडेट कर दिया था। ये था कंपोनेंट्स, उसमें फॉर्म एक्शंस और उसमें सबमिट। ओके, और होपफुली ये इसके साथ करेक्ट हो गया होगा। इसको एक दफ़ा पूरी टेस्ट कर लेते हैं ताकि ये इशू हमें बार बार ना आए। इस तरह के इश्यूज को कोड में छोड़ना काफ़ी ज़्यादा बेसिकली अच्छा। इसमें हमारा यहाँ पे ESLint का कौन सा वर्जन? ओके, इसका वर्जन 9। बेसिकली ये वर्जन 9 रिसेंटली रिलीज हुआ है, इसमें ना ज़रा इश्यूज हैं। ये इस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। इसको चला के देख लेते हैं एक दफ़ा फिर भी कमांड को कि ये कमांड किस तरह बिहेव करती है। ये हमारे पास लिंट की कमांड है और यहाँ पे आते हैं npm run lint, let's see कि ये हमें कुछ ओके और समथिंग वेंट रॉन्ग। जी ये देखें, बेसिकली ये जो ESLint है इन्होंने रिसेंटली अपडेट किया, तो हम इसको अभी के लिए जो इसका लास्ट स्टेबल वर्जन था उस पर ले जाएंगे और बाद में इसको मैं इस पर अलहदा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इसको 9 वर्जन 9 के साथ कंपेटिबल करके आपको दिखा दूंगा। अभी के लिए जो लास्ट इसका स्टेबल वर्जन चल रहा था वो 8 point something चल रहा था, आई थिंक 50 और 57 समथिंग लाइक दैट। इस पर आते हैं वर्जन्स पे और यहाँ से हमने जो सिलेक्ट करना है वो है दिस वन। ये इसका लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ना अभी ज़्यादा स्टेबल है, उसकी तरफ ऑब्वियसली शिफ्टिंग हो रही है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगी और फिर सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। इनको भी हम इसको एक दफ़ा क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं बेसिकली मैंने npm outdated एक्सटेंशन की हुई है, वो मुझे यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में चेक करके बता देता है ओके कौन सा पैकेज जो है वो आउटडेटेड हो गया। और ये कभी कभी काम नहीं करता तो मुझे विंडो को रीलोड करना पड़ता है, उसके बाद फिर ये काम करने लग पड़ता है और ये इस तरह मुझे सारा देख के बता देता है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसको अपडेट नहीं करना, बाकी सबको मैं अपडेट कर दूँगा क्योंकि बाकी सब में होपफुली कोई इशू नहीं आएगा। और इसको मैं रिवर्ट कर दूँगा, इसके साथ सेव करेंगे और हम PMPM यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैं एक दफ़ा इंस्टॉल करूँगा, ऐप को PMPM इंस्टॉल करूँगा, ये लेटेस्ट पैकेजेस को डाउनलोड करेगा और हमारे लिए सेटअप कर देगा। फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, एक दफ़ा फिर लिंट की कमांड रन करेंगे और देखेंगे कुछ चेंज आया कि नहीं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम दोबारा इसी कमांड को रन करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम बेसिकली कोई स्पेलिंग एरर करते हैं क्या उसको ये कैच करता है? नहीं, तो लिंटिंग जो है वो अभी इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही, जो कि खैर अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इस लिंटिंग पे मैं एक ज़्यादा सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें ऑब्वियसली इसको
कॉन्फ़िगर वगैरह करके सेटअप करके तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि उस चीज़ को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें अपने प्रोजेक्ट में और प्रॉपर जो लिंटिंग का फ़ायदा वो ले सकें। अभी के लिए इसको रिवर्ट बैक कर देंगे और इसको यहीं पर रख देंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे और इसे रिफ्रेश कर लेंगे, ये यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से लॉग आउट करते हैं। वैसे यहाँ से अगर लॉग आउट ना भी करते हैं हम तो फिर भी हमारा काम चल जाना था, लेकिन अब हम यहाँ पे आएंगे रजिस्टर टेस्ट में और ये हमारे पास टेस्ट बना हुआ है। सबसे पहले ये जो डिटेल्स वगैरह हैं इनको हम सेटअप कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर ओके, बस एक मिनट, इसको मुझे यहाँ से चाहिए ऑलमोस्ट ये डाटा और सबमिट को मैंने इनेबल करना है और सबमिट को मैंने क्लिक करना है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और ये करंट टाइम वगैरह मुझे नहीं चाहिए, तो इसको फिर मुझे यहाँ पे यूज़र डाटा, यूज़र ऑथ डाटा डॉट ईमेल और यूज़र डाटा पासवर्ड दिस एंड दैट, सबसे पहले इसके साथ साइन इन करके सॉरी साइन अप करके देख लेंगे। और इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है हमारी डेटाबेस में, हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र को चूज़ कर लेते हैं। खैर इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हमारा साइन अप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और नेक्स्ट केस में हम इसको फिर यूज़ कर सकेंगे। इस केस के लिए हमारा नेम आएगा, ईमेल, पासवर्ड, ETC। सेव करते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। npm रन टेस्ट डॉट e2e, ये साइप्रस को स्टार्ट कर देगा हमारे लिए और यहाँ से एंड टू एंड टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आ गया है और हम इस पे आएंगे। ये सर्वर से दूसरे टेस्ट को चलाएगा बेसिकली, क्योंकि पहला जो टेस्ट है वो हम पहले ही पास कर चुके हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ करेगा और ये क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड आर रजिस्टर एलियस। ओके सॉरी, क्योंकि ये मैंने ऊपर रजिस्टर एलियस को एलियस जो है उनको रजिस्टर नहीं किया। और अभी के लिए वैसे मुझे सर ये बटन चाहिए, इस बटन की ज़रूरत नहीं है और इसकी ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश करते हैं और अब की बार मोस्ट प्रोबेबली ये शायद इन शायद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये और ये जो एरर आ रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोकल होस्ट को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें क्रॉस का जो एरर है वो आ रहा है, क्रॉस ओरिजन का। तो उसका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी सिंपल है, हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक तो ng rock लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था। ओके, इसके अलावा एक और है लोकल कर्नल, ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। हाँ इंस्टॉल्ड है, ये बेसिकली आप npm लोकल कर्नल ये पैकेज है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा भी काफ़ी पैकेजेस हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लोकल कर्नल डैश p जो पोर्ट है जिस पोर्ट पे बेसिकली चल रहा है मेरा बैकएंड वो, और डैश s, इसका ये फायदा है a1s जो ng rock है, जब तक हम उसके अब प्रीमियम वर्जन बाय नहीं करते वो हमें एक स्टैटिक सब डोमेन नहीं देता। लोकल कर्नल जो है इसकी सर्विस एज सच इतनी कह लें कि ng rock के मुकाबले में स्टेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये हमें फ्री में जो एक स्टैटिक डोमेन है सब डोमेन वो प्रोवाइड कर देता है। तो इस वजह से हम बार बार जब इसको सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट हम एक सेम स्टैटिक डोमेन पे, अनटिल अनलेस के वो स्टैटिक डोमेन किसी और ने यूज़ में ना रखी हो हम उसे यूज़ कर सकेंगे। ये यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इसकी सर्विस इतनी स्टेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्टार्ट होने में बहुत टाइम ले रहा है और पता नहीं ये स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे अभी ng rock के साथ ही कंटिन्यू करूँगा, HTTP 4000, दैट्स इट। इसका सिर्फ ये नुकसान है कि ये हर दफ़ा एक नई पोर्ट असाइन करता है सब में, तो हमें बार बार ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी।
बाकी ये सर्विस काफी स्टेबल है। यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देंगे, जो बेसिकली वीट है वो ऑटोमेटिकली इसको कर लेता है। इसको मैं अब रीस्टार्ट करूँगा टेस्ट को, ये रजिस्टर के पेज पे जाएगा और आपकी बार ये एनजी लॉग की प्रॉक्सी के थ्रू जो बैकएंड को एक्सेस करेगा और ये पास हो जाएगा। हाँ, अगर ये पास होता है। ओके, ये फेल हुआ है। ये क्या क्या यहाँ पे कह रहा है, वो बीच में ला देगा। ओके, हमारा बैकन यहाँ पे चल रहा है। बैकन, ओ सॉरी, 4000 नहीं है, 8000 है, सॉरी। और इसीलिए शायद वो भी नहीं था चल रहा, क्योंकि इसमें भी देखते हैं ये चलता है। जी, ये चल गया, तो वो मेरी गलती है। मैंने बेसिकली 4000 लिख दिया, क्योंकि नॉर्मली नोड जेएस के प्रोजेक्ट में हम उसको 4000 रख देते हैं। अच्छा, लोकल टर्नल की एक और बात यह है कि एनजी लॉग जैसे आपने देखा वो डायरेक्टली काम कर लेता है, लोकल टर्नल में आपने जब इसको ओपन करना है तो आपने उसको पहले यूआरएल को अपने ब्राउजर में ओपन करना है, इस चीज़ पे क्लिक करना है, ये आपको ये आईपी बताएगा जो भी है, इसको यहाँ पे करना है और इसको सबमिट करना है। उसके बाद आपका ये काम करना स्टार्ट करेगा। अगर आप डायरेक्टली उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका एरर ही आएगा। इसको भी मैं सेव करके रहने देता हूँ यहीं पे, और इसको यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पे ये किया और अब की बार रिफ्रेश कर देते हैं केस को, ताकि रिस्टार्ट हो जाइए टेस्ट। और अब की बार ये मोस्ट प्रोबेबली पास हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लोकल टनल है वो चल रहा है। यहाँ पे ये लोड करेगा ये, और इसने सबमिट की डिटेल, और ये टेस्ट केस पास हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ रीडायरेक्ट कर रहा था उसके ऊपर मेन जो पेज है उस पर। ये यहाँ पर बेसिकली जो यूज़र था वो क्रिएट हो गया। एक दफ़ा इसको फिर रन करते हैं, और अब की बार जो हमें बेसिकली रिजल्ट चाहिए वो आ जाएगा कि ये यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर ओके, स्ट्रिक्ट पोजीशन आ गया, रिफ्रेश करते हैं इसको, और ये अभी पेंडिंग में ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरर आ गया। इस एरर का हमने बेसिकली टेस्ट करना है। यहाँ पर आते हैं और इसको जरा अपडेट कर देते हैं। ठीक है, साइन अप शुड फेल इफ द यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज इट शुड पास। जरा थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारा काम हो गया, और एक हमने अब यहाँ पे काम करना है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम इस एपीआई को इंटरसेप्ट करेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, साइप्रस इंटरसेप्ट, इसको यूज करेंगे। ये एपीआई को इंटरसेप्ट करेगा और उसके रिस्पॉन्स पे फिर हम देखेंगे, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या चीज़ मिली है, और उसकी बेस पे फिर हम आगे काम करेंगे। ये काम हम नेक्स्ट करेंगे। साइप्रस में जो इंटरसेप्ट की एपीआई है, ये बेसिकली नेटवर्क की जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको बेसिकली इंटरसेप्ट करने के लिए, बेसिकली उसको स्पाई करने के लिए, उसके रिस्पॉन्स को देखने के लिए या उसके रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इंटरसेप्ट लिखेंगे, यूआरएल बताएंगे, आप मेथड भी बता सकते हैं, और एंड पे आप एक जो स्टेटिक रिस्पॉन्स है या तो वो बता दें, अदरवाइज जैसे कि इस यूआरएल को देखना है, अच्छा गेट का मेथड होगा, फिर इस यूआरएल को देखना है, या फिर आप पूरा इसको बता सकते हैं इस तरह से, और बॉडी वगैरह बता सकते हैं, जो भी आप कह सकें। अदरवाइज आप ये काम कर सकते हैं कि ओके, इस यूआरएल को इंटरसेप्ट करो, होस्ट का नाम लोकल होस्ट तो करो, और उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है इसमें आके डू समथिंग विद द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यहाँ से रिस्पॉन्स निकल आता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्स है वो आपको रिक्वेस्ट में से बाद में मिलता है। यहाँ पे
इस तरह से ये देखें, ये इंटरसेप्ट किया इसको, क्योंकि इंटरसेप्ट की जो कॉल है वो आप पहले डिफाइन कर देते हैं और बाद में उसको अपना एक्शन परफॉर्म यहाँ पे बीच में जो होगा डाटा वगैरह आप ऐड करेंगे और फिर इस पे वेट लगाएंगे, और उसके बाद ये इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन इज एन एग्जैक्ट विद प्रॉपर्टीज आईडी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, कि यहाँ पे रिक्वेस्ट भी होगी रिस्पॉन्स भी होगा और उसमें फिर हम इसको चेक कर लेंगे। तो इससे सबसे पहले चेक करते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ये नेटवर्क डिस्कनेक्टेड, ये बेसिकली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप देख सकते हैं जैसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है वो हमें एरर दे देता है। अभी के लिए हम यहीं पे आ जाएंगे और सबसे पहले इंटरसेप्ट की कॉल डिफाइन करेंगे। सीवाई डॉट इंटरसेप्ट यूआरएल बताना है, और उसके लिए बेसिकली हम एपीआई यूआरएल्स में आ जाएंगे। एपीआई यूआरएल्स रजिस्टर, इसको देख लेंगे कि ये क्या है। ओके ये ठीक है। अगर आप मेथड वगैरह इस तरह की बाकी सारी चीज़ें बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर यूआरएल जो है वो ये है, जो मेथड है वो एपीआई मेथड्स, इसकी बेसिकली हम वो एक बना सकते हैं, इनम बना सकते हैं। ओके ये रहा, ऑलरेडी बनाया होगा। इसको पोस्ट है, और उसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि हेडर्स अगर आप प्रोवाइड करना चाहें वो कर लें, अगर जैसे भी आप इसमें जो जो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जो इसकी एक्सेप्ट टाइप है वो एप्लीकेशन जेसन, ये कहीं पे हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कॉन्स्टेंट में। ओके ये भी पहले डिफाइन किया हुआ नहीं, ये हमने वहाँ पे एक्सेस में बताया। ओके इसको अभी के लिए मैं रहने दूंगा, हम पहले इसको रिस्पॉन्स को देखेंगे बाद में। इसको एज एलियस बना लेते हैं इसका, सॉरी रजिस्टर एपीआई रिक्वेस्ट, और आप यहाँ पे जब सबमिट करना है तो इसके बाद हमने सी वाई डॉट वेट, इस रिक्वेस्ट का करना है वेट, और जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद अब हमारे पास इसका जो इंटरसेप्ट रिजल्ट है वो आएगा, जिसको कि हम यूज़ करेंगे। तो इसमें बेसिकली आईडी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये सारी चीज़ें होंगी। रिक्वेस्ट में आप इसका यूआरएल एटीसी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो जो आपने इसमें से करना हो चाहे। तो अभी के लिए सिर्फ इसको कंसोल लॉग करते हैं सिर्फ देखने के लिए, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि ओके क्या चीज़ हमें रिसीव हुई है यहाँ, और यहाँ पर आईडी भी कर देते हैं। आईडी वैसे उसमें से आ जाएगी, रिस्पॉन्स को मेनली करते हैं इंटरसेप्ट डॉट रिस्पॉन्स, और इसमें बेसिकली बॉडी ईटीसी, लेकिन ये ऑप्शनल है क्योंकि एरर आ सकता है, तो इस वजह से इसको रेस बॉडी यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग करेंगे बॉडी में, और उसके ऊपर अगर कुछ लगाएंगे। इसके बाद जो भी रिस्पॉन्स होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है कि एपीए के रिटर्न कर। यहाँ पे आते हैं, आप देखते हैं क्या होता है। ओके सबसे पहले यहाँ पे एरर आया है बिकॉज इट ट्रिगर्ड आर आर डिसेबल एलिमेंट, जस्ट 1 मिनट। अच्छा इसको भी फिलहाल मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं। ओके यहाँ पे आते हैं और एक्सेस फ्रॉम, अच्छा कोई मसला नहीं, इसको सिर्फ रिफ्रेश कर लें क्योंकि वो आगे नेटवर्क डिसेबल हो गया था, इस वजह से इसका इशू आ सकता है। ओह सॉरी, फिर एक दफ़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। लॉट ये ओके, और यहाँ पे क्या, अच्छा ये बेसिकली जब
इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया था, इस वजह से ये फेल हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं इस दफ़ा, फिर आपकी बार ये होपफुली पास हो जाएगा और हम यहाँ पे एपीए का वेट कर रहे हैं। और वो एपीए का वेट जो था वो टाइम आउट हो गया, उसका वेट जो था वो 500 मिली सेकेंड। सबसे पहले इसका जो वेट आउट टाइम आउट है उसको ज़्यादा करते हैं, जो कि हम कर सकते हैं स्पोर्ट B2E में, और इसकी जो कंफिग है उसमें साइप्रस कंफिग टाइम आउट के। ये टाइम आउट है, ये देखें, टू वेट टिल आर रिस्पॉन्स इन रिक्वेस्ट इज दिस एंड दैट। तो इसका जो टाइम आउट है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 30 है, तो हम इसको 60 कर देते हैं। 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय 1000। इसी तरह टाइम आउट और कौन कौन सा है, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट है, ये देखें ये 5 सेकेंड है, ये मेन था हमारे, तो इसको भी 60 सेकेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस। उसके अलावा कौन कौन सा टाइम आउट है हमारे पास, पेज लोड टाइम आउट, ये पहले ही बेसिकली 1 मिनट पे लगा हुआ है तो ये काफ़ी है, और इसको भी ज़्यादा कर लेते हैं, कम से कम 30 कर देते हैं। दैट्स इट, इधर आते हैं, इसी के साथ ये सारा रिफ्रेश हो जाएगा और अब देखते हैं ये हिट करेगा और आपकी बार ये आराम से टाइम आउट इसका वेट करेगा कम से कम 1 मिनट, और उसमें होपफुली हमारी एपीआई कंप्लीट हो जाएगी उससे पहले ही। जैसे ही हमारी एपीआई कंप्लीट होगी यहाँ पे इसमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, अगर 1 मिनट में भी एपीआई कंप्लीट नहीं होती तो फिर आप अपना बैकएंड बदल लें। यहाँ पर ये प्री फ्लाइट, ये हालांकि यहाँ पे एपीआई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, एपीआई, ये जो एपीआई थी ये कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर ओके, मेरे ख्याल से जो इश्यू है वो ये आया है कि हमें इसका रखना था स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्टर, और हमने सिर्फ रजिस्टर रखा है, तो इसे अपडेट करके देख लेते हैं, अगर उससे काम चलता है तो ठीक है, अदरवाइज। और इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ मेथड ईटीसी सारी चीज़ों को, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए यूआरएल के साथ जा रहा हूँ, ये स्लैश एपीआई और स्लैश रजिस्टर सेव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इसको क्लोज करते हैं और ये वो पास हो गया, यहाँ पे आ जाए, और ये हमारे पास मीन के हमने वो बस स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्टर करना था। उसका तरीका का फिर ये हम एक सिंपल हेल्पर फंक्शन बना लेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट एपीआई यूआरएल गेट कंप्लीट एपीआई यूआरएल, यहाँ पे हमें एपीआई पाथ चाहिए जो कि स्ट्रिंग होगा, और ये रिटर्न करेगा जो हमने अभी किया स्लैश एपीआई, और सॉरी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ पाथ डॉट इंक्लूड्स और नहीं स्टार्ट विथ, अगर इसके साथ स्टार्ट होता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड कर दो, और अदरवाइज यहां पर एपीआई स्लैश पाथ इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पर इसमें इसे कॉल कर, इसे इस तरह कर लें, और इसी के साथ ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं,
और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट से स्टार्ट हुई, ख़त्म हो गई, यहाँ पे ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया। अब इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास इंटरसेप्ट का रिजल्ट आया, जो भी था उसमें, ये जो भी आपने बाकियों को अगर स्टडी करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी क्या थी, हेडर्स क्या थे, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। प्रॉपर जो रिक्वेस्ट मेड हुई उसका जो रिजल्ट, ये सर्च क्यूरी पर हम जाएँ किसी। अच्छा, रिस्पॉन्स में हमें क्या आया, रिस्पॉन्स में बॉडी, और उसमें हमारे पास ये, अगर आप या तो आइटम कोड के साथ जा सकते हैं, हम आइटम कोड के साथ ही मेनली जा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड में, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे इसमें ये देखें, हमारे पास रिस्पॉन्स कोड है, इसको इसके साथ हमने चेक करना है। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम असाइन करते हैं, ये जो बॉडी है इसको हमने अब फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पेज में आ जाता हूँ, पेजेस में, ऑथ में, रजिस्टर में ये, और इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसके जो रिस्पॉन्स है उसको कैसे कर रहे थे। ये हमारे पास डाटा आ रहा था और उसको हम बाद में कर रहे थे एपीआई रिस्पॉन्स, और मीन के उसको मैप कर रहे थे, एक किस्म का टाइप असाइनमेंट कर रहे थे। ये क्या करता है कि एरर्स रिजल्ट, यहाँ पे हम टाइप असाइनमेंट कर रहे थे कि जो एपीआई का रिस्पॉन्स है, अगर इसको ओपन करो, एरर्स हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकता है, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरर्स वही सेम जो है, ये चीज़ है जो हमने यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे मैं ये करूँगा, और ये बॉडी में ही है, इसको यहाँ से क्लोज करें, ये बॉडी है और ये सेम है, ओके। हमने यहाँ पे करना है कॉन्स्ट लेस बॉडी रिस्पॉन्स बॉडी इक्वल टू इस चीज़ को, सबसे पहले हमने देखना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट की या कि नहीं की। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ओके, अदरवाइज बेसिकली जो एरर आया है उसको एल्स सीवाई डॉट लॉग, यहाँ पे अब हमें मैसेजेस चाहिए, उसके लिए यूटिल्स में मैसेजेस की एक बना लेते हैं, मैसेजेस स्लैश इंडेक्स डॉट टी एक्स कॉन्स्ट एक्सपोर्ट मैसेजेस, और हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें मैसेजेस को कैपिटल रखा था, स्मॉल मैसेजेस में आते हैं, यहाँ पे कैपिटल रखा है तो कन्वेंशन फॉलो करते हैं, और यहाँ पे करते हैं रजिस्टर, और नहीं ये जनरल है, जनरल फेल, और ये चीज़ तो हमारे पास फिर यहीं यहाँ पे भी है, क्योंकि जनरल फेल तो यहाँ पे भी है, ओके। तो ये मैसेजेस हम यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको सी वाई मैसेजेस कह देते हैं, ताकि अगर कोई मैसेजेस स्पेसिफिकली इसके लिए हमें चाहिए हो तो यहाँ पे हम कर लें। अभी के लिए यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे मैसेजेस इंपोर्ट करते हैं, और जनरल में आते हैं फेल मैसेज, दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास अगर बॉडी आ गई है, और बॉडी में मेनली हमने ये देखना है, क्योंकि हमारी कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट होगी तो उसके बॉडी में ये पैरामीटर ज़रूर होगा मैसेज का, तो हम यहाँ पर आते हैं, मैसेज को वैसे रहने देते हैं, कोड को करते हैं एंड कोड, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर एस आई एपीआई रिस्पॉन्स, और उसमें ये रजिस्टर, ओके, यहाँ पे और उसमें जो रिजल्ट आ सकता है वो यूजर आई यूजर, ये हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। अब सबसे पहले हम इस चीज को ट्राई करेंगे कि इफ डॉट कोड इक्वल टू रिस्पॉन्स कोड इनम आइटम एग्जिस्ट, तो यहाँ पे हमने करना है, असर्ट करना है इस चीज़ को कि ये जो सिलेक्टर है, इस पे हमने सिलेक्टर लगाया हुआ है, यूनिक सिलेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेक्टर है, ये बेसिकली एक तो विजिबल होना चाहिए, और इसका जो टेक्स्ट है
वो इसके इक्वल होना चाहिए। इसको सर्च कर लेते हैं कि ये टेक्स्ट कहीं पे अवेलेबल है, क्योंकि आई थिंक मैंने इसको मैसेजेस में से यूज़ किया था। ओके, ओ ये बैकएंड से आ रहा है, ये बैकएंड से आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं यूजर एग्जिस्ट, और ये इसको कॉपी करते हैं और इसको अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं। बस ये अभी रीरन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस आइटम को गेट करना है। इसका जो कोड है वो ये है जिसको हम गेट करेंगे, cy.get, और यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर डॉट, ये है पेज डॉट रजिस्टर पेज फॉर्म फील्ड्स, और यहाँ पे ये ईमेल फील्ड पे होगा एरर मैसेज। इस चीज़ को गेट करना है, और उसका जो कंटेंट्स, ये जो मैसेज है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसको आप डॉट देन लगा के यहाँ पे एलिमेंट को पकड़ सकते हैं। ये एलिमेंट जो है ये बेसिकली अब जे क्यूरी एलिमेंट है, मीन के यहाँ पे आप इसका जो इनर टेक्स्ट है उसको गेट कर सकते हैं ई एल डॉट टेक्स्ट करके, और इसके बाद इस इनर टेक्स्ट को आप कर सकते हैं लोअर केस में, ऑब्वियसली बेहतर ये है कि इसके ऑप्शनल चेनिंग करें, आपके लिए फ़ायदा होगा। और उसके बाद इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं एक्सपेक्ट टू इक्वल, नहीं टू कंटेन्स, या टू कंटेन जस्ट वन। यहाँ पे हमें सी वाई मैसेजेस चाहिए, यूजर एग्जिस्ट, और इसको भी टू लोअर केस कर दें, चेकिंग बोथ इन लोअर केस टू मेक श्योर दैट द मैसेज इज देयर, एंड इफ सम लेटर इज, बस इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बेसिकली लेट से हमारा मैसेज ये था, अगर किसी ने गलती से यूज़र इस तरह लिख दिया है, यहाँ सारा ही यूज़र लिख दिया है, तो उसकी वजह से हमारा टेस्ट फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैसेज तो एटलीस्ट वहाँ पे है। और मैसेज एग्जिस्ट अगर ये है तो इस तरह, अगर अदरवाइज एल्स के केस में, एल्स इफ यहाँ पर इसका कोड फिर एक दफ़ा चेक करेंगे सक्सेस, क्योंकि दूसरा केस सक्सेस ही हो सकता है, और सर्वर एरर का केस भी हमने देखना है। खैर अभी सक्सेस का केस देखते हैं। सक्सेस के केस में इसने रीडायरेक्ट होना है उस पर जो है, सक्सेस के केस में सिर्फ ये देख लेते हैं कि जो लॉग आउट का बटन है वो विजिबल होना चाहिए। लॉग आउट बटन शुड बी विजिबल, तो सीवाई डॉट गेट एलिमेंट सेलेक्टर डॉट कंपोनेंट डॉट लॉग आउट डॉट दैट्स इट शुड विजिबल बी विजिबल शुड क्लिक केबल। और लास्टली एल्स सी वाई डॉट फेल की कोई कमांड है,
ओके, एक्सपेक्ट यहाँ पर फेल ए सी प्लस टेस्ट मैनुअली। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, ये ठीक है। और यहाँ पे इसको बेसिकली चेक कर लेते हैं कि ये हमने समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज कहीं पे ऐड किया होगा। ओके, मैसेजेस डॉट जनरल डॉट फेल सेव करते हैं और आप देखते हैं ये करेगा, ये इंटरसेप्ट करेगा, एपीआई का वेट करेगा। एपीआई जैसे ही पास हो जाएगी उसके बाद ये चेक करेगा कि वो इसे जो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट फेल हो गई है। यहाँ पे एक गलती अब मुझे यहाँ पे नजर आई है जो मैंने यहाँ पे की है। बेसिकली मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो कंपोनेंट सेलेक्टर है उसको गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हमने यहाँ पर ये करना था इसको इस एलिमेंट सेलेक्टर में पास करना था। तो ये ज़रा मुझसे गलती हो गई, इसको हमने इसमें कॉल करना है, इसी तरह हमने इसको भी इसमें कॉल करना है। दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसको, सेव किया, ये ऑटोमेटिकली रीरन हो जाएगा, एपीआई का वेट करेगा और अब की बार जब ये बेसिकली एपीआई फेल होगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसको देखेगा मैसेज को, वो सेशन पास हो जाएगी और ये टेस्ट ओवरऑल पास हो जाएगा। यहाँ पे एपीआई का भी वेट कर रहे हैं हम, एपीएस में आके भी देख सकते हैं क्या नेटवर्क में क्या हो रहा है। ओके, ये अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग स्टेट में। ओके, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया है और ये यहाँ पर कह रहा है वैलिड इनवैलिड चाइल्ड सेशन टू कंटेन, डिड यू मीन कंटेन। ओके, ये जो असर्शन है ये इनवैलिड है, कंटेन्स। ओके, इंक्लूड्स कंटेंट। ओके, खैर ये असर्शन जो है ना ये अभी पास नहीं हुई, तो हम सिंपली इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, इसकी हमें ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे, कंटेंस में आ जाएंगे, कंटेंस दिस, और इसको लोअर में नहीं करना क्योंकि वो मैच नहीं होगा। अब इसको फिर सेव करते हैं, रजिस्टर की एपीआई कॉल होगी, वो वेट करेगी रिक्वेस्ट का। यहाँ पे हम बैकएंड में भी देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम ले रही है, हालांकि रजिस्टर की एपीआई को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। और ये सारा टेस्ट पास हो गया, बेसिकली यहाँ पे सेशन हुई है कि, और ये जब मैसेज आया तो इसने इसको गेट किया और ये सेशन लगाई है कि ये कंटेंस है जो कि पास हो गई है और हमारा ओवरऑल टेस्ट पास हो गया। अगर आपने उस चीज़ को टेस्ट करना है कि जो न्यू यूज़र है वो पास होना चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे जो डाटा सिर्फ पास कर रहे हैं उसको चेंज करेंगे और वो उस पे पास हो जाएगा। ये सबमिट पे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, सबमिट पे बेसिकली यूज़र क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर भी इस एपीआई को इंटरसेप्ट कर सकते हैं।
ओके okay. और अब जो जो बेसिकली डाटा रिपीट हो रहा है ना, उसके लिए हम इस चीज़ को ज़रा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ज़रा हमारा जो रिपीटेशन वाला काम है वो कम हो जाए। यहाँ पर हम चाहें तो इसको एक एपीआई में मूव कर सकते हैं इस तरह, बेसिकली सॉरी एक फंक्शन में, और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको ज़रा सिंपल मैसेज कर दूँगा इसका। यहाँ पे सबसे पहले इंटरसेप्ट करो इस कॉल को, उसके बाद एंड पे उस इंटरसेप्ट कॉल पे कंटिन्यू करो। और यहाँ पर इस चीज़ को ये नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ सक्सेस ही आना चाहिए और वहाँ भी हमें चेक करना है, अदरवाइज हमारा जो फेल की रिक्वेस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे भी जो है फेल की रिक्वेस्ट आ जाएगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, जनरल इनवैलिड रिस्पॉन्स, इनवैलिड रिस एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यहाँ पे सीवाई जनरल इनवैलिड एक रिस्पॉन्स, और इसको एपीआई रिस्पॉन्स कह देते हैं। ये यहाँ पर इसी के साथ इसको सेव करते हैं, लेकिन अब की बार मैं इसको स्किप करूँगा और इसको डॉट ओनली के साथ चलाऊँगा। ओनली सेव, यहाँ पे आएंगे और ये रिफ्रेश हो जाएगा और अब ये बेसिकली जो साइन अप का केस है वो सक्सेस होना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो दो सेशंस थी वो पास हो गई हैं। इसी तरह ये डाटा करेगा, ये क्लिक करके इस एपीआई का वेट करेगा, जैसे ही वो एपीआई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बेसिकली यहाँ पे रीडायरेक्शन होगी और फिर ये जो लॉगआउट का बटन है उसको सर्च करने में लग जाएगा कि लॉगआउट का बटन मिल रहा है इसको स्क्रीन में कि नहीं मिल रहा, और जैसे ही वो इसको मिल जाएगा तो फिर ये सेशन पास हो जाएगी और ओवरऑल टेस्ट केस भी पास हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एपीआई कंप्लीट हो रही है। अब ये यहाँ पर मेनली उस चीज़ को सर्च कर रहा है कि इसको कंपोनेंट में जो बटन है लॉगआउट का वो मिल जाए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसको लॉगआउट का बटन मिला है हमारा ये टेस्ट ओवरऑल पास हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेस्ट पास हो गया, दैट्स इट। लास्टली सिर्फ एक टेस्ट लिखते हैं लॉगिन का, सॉरी साइन अप का, जिसमें कि ये होगा हम जब साइन अप पेज पे आए, इसको भी स्किप कर देते हैं और यहाँ पर एप डॉट ओनली एरर मैसेजेस शुड शो इफ नो वैलिड डाटा इज प्रोवाइडेड एंड सबमिट बटन इज क्लिक। ये टेस्ट है, होपफुली आपने गेस कर लिया होगा क्या होने वाला है। यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे सबमिट बटन को रेफरेंस करेंगे, उसको क्लिक करेंगे डायरेक्टली और उसके बाद एरर को चेक करेंगे। ये यहाँ पे आप इसको रेफरेंस ही कर लें, ओके कोई इतना मसला नहीं है, और इसको बस क्लिक कर दें। अब सब जगह पे बेसिकली सारी फील्ड्स में एरर आना चाहिए, और उसके लिए मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस हैं उनको चेक करना पड़ेगा। सिर्फ इतना पहले ट्राई कर लेते हैं ताकि
ताकि जो एरर मैसेजेस आएंगे उससे फिर मुझे चेक करना आसान हो। ये सारे एरर मैसेजेस आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं वन बाई वन इन एरर मैसेजेस को देखूंगा, और बजाय इसके कि मैं एरर मैसेजेस को देखूँ, मैं ये देखूंगा कि ओके ये विजिबल होना चाहिए और इसकी जो स्टेट है वो इनवैलिड होनी चाहिए। इसको कॉपी करें, ये यहाँ पर इसको देख लेंगे, जो हमारी स्टेट है ये रेड है। इसी तरह ये इसमें हम चेक कर सकते हैं कि इसका जो कलर कोड है वो रेड है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली सिर्फ ये देखूंगा कि ये जो एरर मैसेजेस हैं ये विजिबल होने चाहिए। दैट्स इट। cy.get यहाँ पे हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे होंगे वंस अगेन इसके साथ, ताकि वो सिलेक्टर प्रॉपरली बन जाए। और हमारा ये है रजिस्टर, सॉरी पेजेस, रजिस्टर पेज, उसमें फॉर्म फील्ड्स, और सबसे पहले नेम फील्ड का एरर मैसेज शुड बी विजिबल। इसी तरह इसको कॉपी कर लेंगे चार दफा, और यहाँ पर ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे पासवर्ड कंफर्मेशन आ जाएगा। दैट्स इट। और इसके बाद बेसिकली आप यहाँ पे वन बाय वन इनमें करेक्टर टाइप करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि वो शुड नॉट बी विजिबल होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इस डाटा को कॉपी करते हैं, और ये यहाँ पे नहीं आएगा, और मुझे यहाँ पर पासवर्ड कंफर्मेशन चाहिए। ये और ब्लर का इफेक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए। जब नेम ऐड हो जाए तो उसके बाद नेम वाला जो मैसेज है वो शुड नॉट बी विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर शुड नॉट बी विजिबल। ओके, इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, नॉट बी विजिबल। ओके, उसके बाद जब ईमेल कर लिया तो ईमेल वाला ये विजिबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा ईमेल का ईमेल। उसके बाद जब पासवर्ड लिख लिया तो पासवर्ड वाला विजिबल नहीं होना चाहिए, और लास्टली जब कंफर्मेशन हमने कर लिया तो पासवर्ड कंफर्मेशन वाला विजिबल नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने गलत की है वो ये है कि मैं डायरेक्ट उनके नेम्स के थ्रू उनको कॉल कर रहा हूँ। उसका नुकसान ये होगा कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसका नुकसान कैसे होगा। मैं आता हूँ इनम्स में, फॉर्म डाटा दिस, और यहाँ पर इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ नेम वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम वाली जो फील्ड है वो चेंज, क्योंकि हमने कोड को इस तरह लिखा है कि हम एक जगह पे चेंज करते हैं हर जगह पे चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हमने जो काम करना था वो ये था कि बजाय इसके हम इसको इस तरह एक्सेस करते, सबसे पहले इसको चेंज कर देंगे रिवर्ट बैक, उसके बाद यहाँ पे हमने मेक श्योर करना है कि ये जो चीज़ है ये इसको एक्सेस करने की बजाय इस चीज़ को एक्सेस कर लिया ने, ताकि जब हम उसको चेंज करें वहाँ पे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको, यहाँ पे ईमेल, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, सॉरी सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड आना चाहिए ना कि पासवर्ड कंफर्मेशन भी। पासवर्ड, पासवर्ड, लास्टली पासवर्ड कंफर्मेशन, सॉरी इसकी आएगा इस तरह से पासवर्ड कंफर्मेशन, और फॉर्मेट कर लेंगे एक दफ़ा। ये काम ख़त्म हो गया, उसके बाद देख लेंगे कि कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये गलत हुआ है, यहाँ
यहाँ पे आएगा फील्ड्स, और इसी के साथ ये काम कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने से पहले ये और क्लिक, एंड उसके बाद शुड बी डिसेबल, और एंड पे वो शुड बी इनेबल्ड हो जाना चाहिए। क्लिक करने की जरूरत नहीं है, शुड बी इनेबल्ड, दैट्स इट। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो पहली सेशन थी वो हो गई, और अब ये क्या कर रहे हैं? ओह सॉरी, नॉट बी विजिबल, और ये सेशन पास हो तो गई है। अच्छा, वो एलिमेंट गेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, जस्ट वन मिनट, शुड यहाँ पे हमने, सॉरी, यहाँ पे ये जो है ये फेल हो रहा है बेसिकली, क्योंकि नॉट बी विजिबल ये एलिमेंट को गेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे शुड नॉट एग्जिस्ट, होपफुली ये पास करेगा। नॉट विजिबल को नॉट एग्जिस्ट कर देंगे और दोबारा ट्राई करेंगे। ये ओके, ये ठीक था। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, और रजिस्टर पेज के लिए इतने टेस्ट कंप्लीट हैं, इतने टेस्ट काफ़ी हैं। इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर वापस आ जाते हैं। इसी के साथ अगर हम वापस आते हैं टेस्ट स्पेक्स में, इसमें, और ये ऑब्वियसली दोबारा उसको रन करेगा, यहाँ पर हमारे पास ये टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आप यहाँ पे चाहें तो इन तीनों का अलहदा अलहदा टेस्ट भी बना सकते हैं, बेसिकली अलहदा अलहदा फाइल बना के और उनके टेस्ट लिखते हैं एक फाइल में, एक टेस्ट, वो भी ठीक है। और ये यहाँ पर इसके साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करेंगे और लॉगिन पेज के टेस्ट्स को लिखेंगे। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, बेसिकली एक फाइल जो कि लॉगिन के लिए होगी, स्लैश इंडेक्स डॉट सी वाई डॉट टी एक्स, और इसमें हम काफ़ी कुछ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही कॉपी कर लूँगा, और अभी के लिए इन दोनों को डिलीट कर दूँगा, यहाँ पर ओनली ऐड कर दूँगा। यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, इसकी जगह पे ये वैसे ही रहेगा, ये मेनली चेंज होगा, ये लॉगिन फील्ड सो हो जाएगी। ऑब्वियसली नीचे एरर्स आएंगे, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। और नेम ईटीसी वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे हम इसकी जगह ईमेल को फोकस कर लेंगे, और यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और इसकी जगह पे मैं सिंपली यूज़र डिटेल्स यूज़ कर रहा हूँ, यूज़र ऑथ डाटा डॉट ईमेल, और यूज़र ऑथ डाटा पासवर्ड, इसको यहाँ पे किया, और एंड पे डॉट ब्लर कॉल कर दिया सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि, और बाद में ये भी इनेबल होना चाहिए, दोनों इनेबल होना चाहिए। इस पर क्लिक करना है और रजिस्टर की बजाय लॉगिन की एपीआई को इंटरसेप्ट करना है। लॉगिन एपीआई इंटरसेप्ट, यहाँ पे हमारे पास लॉगिन होगा, इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पे रजिस्टर को सर्च कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, और यहाँ पे हम ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अगर सक्सेस का केस आता है तो बस इसको ये कर लेंगे, और दैट्स इट, अदरवाइज ये इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं और हम स्पेक्स में वापस आते हैं, हमारे पास लॉगिन का टेस्ट आ गया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये इस तरह से
ओके, यहाँ पे एक जो ऑब्वियसली गलती, इसको स्टॉप कर दूंगा। यहाँ पे जो गलती हुई है वो ये है कि मेरे जो सिलेक्टर्स हैं वो सारे अभी रजिस्टर पेज के हैं, तो उसको पहले अपडेट कर लेंगे। ये लॉगिन पेज हो जाएगा और इसी के साथ होपफुली ये काम चल जाएगा। वापस आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और आप देखते हैं ये लें, ये सारा कुछ पास हो गया, ये आ गया और हमारा ओवरऑल जो टेस्ट था वो हमारा पास हो गया। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली इनवैलिड डिटेल्स के साथ लॉगिन को ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पर वंस अगेन इधर आऊँगा और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसको स्किप कर दूँगा। कॉपी पेस्ट, इसे ओनली पे ले आऊँगा, विद इनकरेक्ट कर दूँगा ये, और अब की बार रीसेट बटन की कोई ज़रूरत नहीं है। रीसेट बटन लास्ट टाइम हमने ओके वो सेशन लगाई थी, सिर्फ यहाँ पे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें जो यहाँ पे अब हम करेंगे कॉन्स्ट करंट टाइम इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट टाइम, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। बेसिकली ईमेल हमें एक यूनिक ईमेल टाइप चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइम पास करूँगा गेट यूनिक ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड यही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्टली आप ये रिसेट बटन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। रिसेट बटन ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ से भी सिर्फ सबमिट बटन है जो कि अनेबल्ड होना चाहिए, और उस पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको यहाँ पे वेट करना है। और यहाँ पर अब इसका जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स होना चाहिए, जो इसका रिज़ल्ट है वो फेल में आना चाहिए। और यहाँ से देख लेते हैं, बैड रिक्वेस्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं नॉट फाउंड शायद आएगा क्योंकि यूज़र नॉट फाउंड। इसको सिंपली कॉल करते हैं और देख लेते हैं, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए इजी होगा, उसको वैसे कंटिन्यू करना। यहाँ पे आ गया ओके, नो यूज़र फाउंड, और ये मोस्ट प्रोबेबली इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 404 ही होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं 404 और नॉट फाउंड। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड टू नॉट एग्जिस्ट असर्ट ओके। यहाँ पर थ्रो न्यू एरर, लेट्स सी, हम किस पे काम कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। यहाँ पर इसके तो इक्वल नहीं है, ओह सॉरी इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं लॉग इन वेट और यहाँ पर थ्रो, और अब ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली उसकी पोस्ट की रिक्वेस्ट को वेट कर रहा है। फॉलोइंग एरर ओरिजिनेटिंग नॉट फ्रॉम साइप्रस, नेटवर्क एरर स्ट्रैक, ओके ये वाला काम नहीं करते, वो पहले वाला ठीक था। ओके कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए नॉट फाउंड, और यहाँ पर यूज़र नॉट फाउंड एरर शुड बी विजिबल, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उस एरर को देखना है। एलिमेंट पेजेस लॉगिन पेज फॉर्म फील्ड्स ईमेल, और वंस अगेन यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे लॉगिन करना है और उसमें डॉट ईमेल करना है, यहाँ पे एरर मैसेज करना है और ये शुड बी विजिबल।
और अमेबल की कोई सीन नहीं है। और दैट्स इट, एल्स ये हो जाएगा, सेव करते हैं और अब की बार ये टेस्ट पास होना चाहिए। ये कह रहा है कि यहाँ पे एरर आ गया जो कि है क्रॉस रीजन एरर, ये शायद स्टॉप हो गया, तो इसको दोबारा खुद स्टॉप करके ऑन कर लें। जो फ्री सर्विस होती है उसमें फिर थोड़ा सा देर करना पड़ता है, तो इस वजह से इसको करते हैं, इसे वेट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो सारी असर्शंस हैं वो पास हो गई। ये टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लास्ट टेस्ट करेंगे कि बेसिकली जब सबमिट का बटन क्लिक करें तो सारे एरर मैसेजेस शो होने चाहिए, और उसके बाद जब हम डाटा पुट करें तो वो एरर मैसेजेस डिसेबल होने चाहिए और सबमिट का बटन इनेबल हो जाना चाहिए। ये हम नेक्स्ट करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको सबसे पहले सही करेंगे क्योंकि ये अगर कोई दिखेगा तो फिर दूसरा करेगा, ये स्किप हो जाएगा यहाँ पर एरर। और इसको ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर लिखा था एरर मैसेजेस दिस एंड दैट, लॉगिन पेज कह देते हैं बस, यहाँ पे रजिस्टर पेज कह देते हैं, सेव दिस। और यहाँ पे नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको क्लोज करो, यहाँ इन सारी चीज़ों को क्लोज करें, इसमें आए ओके ठीक, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इंटरसेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरसेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबमिट बटन का रेफरेंस क्रिएट किया यहाँ पर, इस पर हम पहले क्लिक कर लेंगे सी वाई डॉट गेट दिस डॉट क्लिक, इससे एरर मैसेजेस शो हो जाएंगे। और इसके बाद ये शुड, और यहाँ पर उसके ऊपर ही ला देते हैं डॉट शुड सॉरी बी डिसेबल्ड। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, इसमें बेसिकली सिर्फ ईमेल ऐड करते हैं यूज़र और डाटा डॉट ईमेल, और अब नहीं सबसे पहले जो मैसेजेस हैं उनको चेक करना है ओके। यहाँ पे हो जाएगा सी वाई डॉट गेट गेट सी वाई एलिमेंट सेलेक्टर एलिमेंट सेक्टर डॉट पेजेस डॉट लॉग इन पेज फॉर्म फील्ड्स लॉग इन पेज डॉट ई मेल डॉट एरर मैसेज शुड बी विजिबल, उसके बाद उसमें टाइप करो और अब ये शुड बी इनविजिबल। आप चाहें तो सारी बातें हम इसका एलियस बना सकते हैं, और एक मिनट एस ट्राई करते हैं समथिंग लाइक लॉग इन पेज ई मेल फील्ड एरर मैसेज, इसको असर्शंस में ऐड कर देते हैं। ओके और बाद में इसका फायदा ही होगा कि यहाँ पे हम इसकी बजाय ऐड दिस कर लेंगे शुड नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, उसके बाद पहले उसमें एरर आना चाहिए पासवर्ड वाली फील्ड में, और उसके बाद वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए पासवर्ड, ये है पासवर्ड, और उसके बाद ये शुड नॉट एग्जिस्ट है, ब्लर की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पे रखो और ये अनेबल हो जाना चाहिए, क्लिक की जरूरत नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था, सेव करो यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये सारा पास हो गया ओके। इसी तरह हम उसको भी जरा अपडेट कर लेते हैं फिर, जो रजिस्टर पेज है इसके जो टेस्ट है इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। होपफुली आपने गेस कर लिया होगा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या होगी, कि ये जो मैसेजेस हैं हम इनको इनके एलियसिस यहाँ पे बना लेंगे ताकि नीचे जब हम इनको कॉल कर रहे हैं तो एलियसिस के साथ कॉल करें। ये क्या है, नेम फील्ड एरर मैसेज, और नीचे जब इसको कर रहे हैं कॉल यहाँ पे पहले इन सबको यहाँ पे कर लेंगे, ये हो जाएगा ईमेल, ये हो जाएगा पासवर्ड, ये हो जाएगा पासवर्ड कंफर्मेशन, उसके बाद ये जब होगा तो अब की बार हम सिर्फ और सिर्फ इसको करेंगे एट दिस, नेक्स्ट हम सिर्फ इसको करेंगे एट दिस, उसके बाद हम सिर्फ पासवर्ड फील्ड के लिए इसको यूज करेंगे, और लास्टली हम इसको यूज करेंगे। ओके और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया ओके।
इसको फिलहाल कंट्रोल जी करो। क्या हुआ यहाँ पे, ये ईमेल है। ओके, ये था नेम, इसको नेम के साथ करना था। नेम को करें, ये नेम का बेसिकली टाइप कोड है, और यहाँ पर ये पास और उसका जो है वो मैच वाला, इसको इसके साथ मिला दो। नेक्स्ट अब हम ईमेल के साथ करेंगे, ये ईमेल की जो टाइप हमने करना है वो कर दें, और यहाँ पर इसको सर्ट कर दें। नेक्स्ट पासवर्ड, ये पासवर्ड टाइप कर दें और यहाँ पे इसको सर्ट कर दें। नेक्स्ट कंफर्मेशन, ये चीज़ ये सेशन, और ऑब्वियसली इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि ये चल रहा है। एरर मैसेजेस ये सारे शो होंगे, पास होंगे और सारा टेस्ट पास हो रहा है। इसी के साथ लॉगिन और रजिस्टर पेज के जो टेस्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो ये करना है कि इसको यूज़र को प्रोबोमेटिकली कोड के थ्रू लॉगिन करवाना है, और उसके बाद फिर वहां से हम कर। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने लॉगिन और रजिस्टर पेज के जो टेस्ट केसेस थे उनको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और यूजर को प्रोबोमेटिकली कोड के थ्रू लॉगिन करवाएंगे अपनी ऐप में, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट केसेस के साथ कंटिन्यू करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे माई अकाउंट के टेस्ट केस के साथ। इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स से फायदा हासिल कर सकें और ऑटोमेशन टेस्टिंग को सीख सकें। वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.